सीधा मुख्यमंत्री की मौजूदगी राम भद्राचार्य के कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए हैं। राम भद्राचार्य की कथा और मौजूदगी है यहाँ पर इस वक्त मुख्यमंत्री की। इतना बड़ा कार्य किया पर महान है वे 11वां रुद्र। महान वही होता है जिसमें अभिमान नहीं होता। आनंद, हनुमान जी को राम जी ने बुलाया, कहिए बताओ। कहो कपि रावण पालित लंका। कहो तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुझे तो लगता है पहली बार कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना है। आज राजस्थान को, ये राजस्थान वीर भूमि भी है, वैष्णव भूमि भी है, राजस्थान का विकास होना चाहिए। सब लोग प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करो, विकसित भारत हो जाए। और मेरी दक्षिणा ये है कि गलता गादी श्री रामानंदियों की है। कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय भी दे दिया है। अब मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर एक बिल ला देना चाहिए, एक ट्रस्ट हो गलता गादी का, इस सार्वजनिक ट्रस्ट हो, इसका अध्यक्ष रामानंद संप्रदाय का निर्विवाद जगत गुरु हो, सभी संत इसमें हो, रामानुजियों को चंगुलसी से छुड़ाकर हमारी गादी हमें दे दी जाए। कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, ये मैं आपसे दक्षिणा मांग रहा हूं। और अब आपको माइक दे रहा हूं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और श्री गिरिराज जी महाराज जी का आशीर्वाद लेकर जो पूरे देश में जा रहे हैं और राजस्थान के विकास के लिए निरंतर तत्पर हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के अत्यंत स्नेह भाजन माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित, एक बार तालियों के साथ हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने उद्गार को प्रकट करें। सबसे पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं राजस्थान प्रदेश की तरफ से गुरु जी का 8 करोड़ जनता की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी को आप सभी लोग जानते हैं और इस बात को भी आप सभी जानते हैं कि जो अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, राम भद्राचार्य जी का उसमें कितना बड़ा योगदान है ये आप सभी को पता है। गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हमारी राजस्थान की जनता पर बना रहे। निश्चित रूप से जो गुरु जी ने कहा है, क्योंकि गुरु जो कहते हैं उनमें इतना होता है कि वो बात पूरी होती है, इसलिए गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए और आप सब श्रोताएं आप सभी को भी नमन करते हुए मंच पर हमारे संत वृंद बैठे उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं और हमारे सभी आयोजक उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम गुरु जी का रखा है। मेरी कई दिन से आने की इच्छा हो रही थी लेकिन लगातार क्योंकि चुनाव थे, चुनाव में व्यस्तता थी,
तो मैंने जब पूछा कि रामकथा कब तक है, तो मैंने कहा मैं निश्चित रूप से होकर के आऊंगा, मैं गुरुजी के चरणों में पुनः नमन करता हूं। और गुरुजी ने मुझे कह रहे हमारे छोटे गुरुजी आदेश किया है गुरुकुल के लिए, निश्चित रूप से महाराज जी उसको भी हम पूरा करेंगे। और यही नहीं, हमने गुरुजी मंदिरों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए हमने खाटू श्याम जी के लिए किए हैं, और सभी मंदिरों के जीर्णोद्वार के लिए हमने सूची बनाते हुए उनको भी हमने ठीक प्रकार से रह सके इसकी व्यवस्था की है। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद और इसने रहेगा तो आपने जो कहा है वो भी निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। पुनः आप सभी को राजस्थान की जनता की तरफ से या हमारे सभी भक्तगणों की तरफ से, आयोजकों की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे यहाँ पधारे। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। जय जय श्री राम। देखिए मुख्यमंत्री जी आप तो विद्याधरनगर स्टेडियम में रामकथा का आयोजन, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज उनकी ये कथा, और इस कथा का श्रवण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। वो अभी संबोधित भी कर रहे थे। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की ये कथा जयपुर में चल रही है, वहां पर मौजूद हैं सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस बार राजस्थान की बागडोर कौन संभाले, तो मैंने ऊपर वालों को संकेत किया था इस बार राजस्थान की बागडोर ब्राह्मण को दी जाए।